राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश शेरू खान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मादक पदार्थ की तस्करी के दौरान एनसीबी जोधपुर की टीम पर फायरिंग के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी दो कांस्टेबल की हत्या के आरोपी गैंगस्टर सुनील डोडी गैंग का सक्रिय बदमाश है। एडीजी गैंगस्टर टास्क फोर्स एंड क्राइम दिनेश यमन के मुताबिक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने शाहपुर जिला के थाना शाहपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 साल से फरार 15,000 रुपए के इनामी बदमाश जोधपुर के रहने वाले शेरू खान को गिरफ्तार किया है। एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एंड क्राइम दिनेश यमन ने कहा है कि राजस्थान में वांछित अपराधियों और सक्रिय गैंगस्टरों के बारे में आज सूचना संकलन के लिए पुलिस मुख्यालय से विशेष टीमों को अलग अलग शहरों में भेजा गया। डीआईजी योगेश यादव और एडिशनल एसीपी एजीटीएफ विद्या प्रकाश के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तमर की अगुवाई में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल राकेश जाखड़ गैंगस्टर शेरू खान के बारे में सूचना मिली, जिसे डेवलप करने के लिए पुलिस की टीम गई। सूचना पुख्ता होने पर सोमवार को एजीटीएफ जयपुर और थाना शाहपुर पुलिस की टीम ने थाने के सामने नाकाबंदी कर बस से आ रहे गैंगस्टर शेरू खान को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश यमन ने कहा है कि 13 अगस्त 2019 की रात करीब 1:30 बजे नारकोटिक्स टीम जोधपुर की ओर से एक बिना नंबर कार में सवार तस्कर सुरजा राम और बाबूलाल को गिरफ्तार कर 855 किलो डोडा पोस्त बरामद कर पूछताछ कर रही थी। इतने देर में एक कार में आए कुख्यात गैंगस्टर सुनील डोडी टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया। इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। आरोपी शेरू खान और शेरू मोहम्मद घटना के वक्त से ही फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसीपी शाहपुरा की ओर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने में एजीटीएफ एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश और इंस्पेक्टर सुभाष सिंह की अगुवाई में गठित हेड कांस्टेबल राकेश जाखड़ की विशेष भूमिका रही है। फिलहाल इस बदमाश से पूछताछ की जा रही है। टीम पीटीएफ न्यूज़।